वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के फॉर्म वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो रहेगा, इसका वैल्यू अगर जीरो रहेगा तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, थ्री एक्स वाई जेड, क्योंकि इधर पूरा जीरो हो गया, ये थ्री एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से निकल के ये फॉर्मूला आया है ना। तो इस पर अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। तो देखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसी को अप्लाई करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट है ना। इसमें जो दिया है ये एक्स प्लस वाई प्लस ये माइनस जेड है, फिर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसको फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई प्लस ये z को माइनस z कर दें, अंदर ले गए तो आ गया ये। ठीक है, ये z के जगह पर माइनस z है, ये जो z है इसके जगह पर माइनस z है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, माइनस z का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू माइनस z, ये जो प्लस है इसको हम यहाँ माइनस कर दिए, फिर z की जगह माइनस, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस वाई जेड ही आएगा, लेकिन जेड की जगह मेरे पास क्या हो रहा है, रिप्लेस होकर माइनस जेड हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है प्लस जेड एक्स है, तो माइनस माइनस जेड कर दिया तो प्लस जेड होगा कि नहीं, फिर एक्स हो गया, क्योंकि जेड की जगह पर मेरे पास माइनस जेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस जेड का क्यूब, क्योंकि जेड की जगह पर माइनस जेड है, माइनस थ्री एक्स वाई और ये माइनस जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो गया प्लस वाई क्यूब हो गया, फिर ये जो है माइनस जेड का क्यूब है, मतलब क्या हो गया, ये माइनस जेड क्यूब हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा। उसी तरह से देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड है, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मेरे पास रिजल्ट फॉर्मूला में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस ये माइनस को अंदर लेंगे, माइनस वाई हो गया, प्लस कर दिया माइनस को अंदर लेंगे, माइनस जेड हो गया। ठीक है, यानी वाई की जगह पर माइनस वाई पुट करेंगे और जेड की जगह पर माइनस जेड पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होगा प्लस, फिर ये जो है जेड का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर लिखे नहीं है ना, इसको पीछे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये माइनस जेड मतलब प्लस ही ना आएगा, यही चीज़ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक्स वाई है, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, वाई की जगह पर माइनस पुट करना था ना इसीलिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट जो आ रहा है, ये आ जाएगा प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई ही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जेड भी माइनस है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा, वही चीज़ आना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू भी पुट होना चाहिए, कम सारा चीज़ मिल जाना चाहिए इसमें, तो ये जो आ गया, फिर प्लस एक्स जेड लिखा है, तो एक्स की जगह पर तो प्लस ही है। ठीक है, तो माइनस यहाँ लगा दिए और जेड की जगह माइनस कर दिए, क्योंकि जेड की जगह रिप्लेस होकर माइनस हो रहा है, तो यहाँ सॉल्व करके देखो तो वही आएगा। ठीक है, और ये जेड वाला इसको हम इधर लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस माइनस जेड का क्यूब, क्योंकि वाई की जगह माइनस वाई है और जेड की जगह माइनस जेड है। तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होता है, माइनस थ्री एक्स वाई जेड होता है, माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई की जगह माइनस वाई, जेड की जगह माइनस जेड। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जा रहा है, एक्स क्यूब माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, माइनस वाई क्यूब, फिर ये माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा माइनस जेड क्यूब, और ये प्लस हो गया, फिर माइनस ही रह जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से इसको थर्ड को आप खुद करेंगे, जैसे है एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर है प्लस टू एक्स वाई है प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, इसमें नंबर्स भी है इस तरह से, तो इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो देखो इसी के जैसे फोर है,
ठीक है। तो इसको फोर को अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फोर को हम बता रहे हैं, देखो फोर में जो दिया हुआ है यहाँ पर, यह दिया है यहाँ पर 3x - 5y + 4 है, 9x² है प्लस 25y² है प्लस है 15xy - 20y प्लस 12x + 16, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x + y + z का फॉर्म में लाएंगे, तो ये क्या हो गया 3x हो गया प्लस -5y को अंदर ले गए, ठीक है। और फिर ये प्लस 4 है, फिर क्या हो जाएगा x² + y² + z², मतलब x के जगह 3x है, 3x का स्क्वायर देखो 9x² ही आ रहा है, -5y का स्क्वायर प्लस 25y ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये z का वैल्यू तो पीछे दिया हुआ इसको 16, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, पर ये क्या है xy वाला है तो -xy होता है, तो -3x किए इसको और फिर 5y को अलग कर दिए, इसमें से 3 × 5 में 15 ही होगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि 5y जो है निगेटिव में, ये हो गया मेरे पास सॉल्व करके यही आ रहा है, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए उससे। अब ये -20y है तो माइनस ले लिए, -5y ले लिए × 4, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या है 12x है तो -4 × 3x कर सकते हैं, 12x को 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये 3x का एक्स क्यूब होगा ना, 3x का होल क्यूब, फिर वाई क्यूब होता है, -5y का क्यूब होता है, फिर क्या हो जाएगा जेड क्यूब, मतलब 4 है तो 4 का क्यूब हो जाएगा -3xyz, -3 × x की जगह 3x, वाई की जगह -5y, फिर जेड की जगह 4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा और एक्स क्यूब हो गया, 5 का क्यूब 125 होता है, फिर ये वाई क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब कितना 64। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 5 से करेंगे 45, 45 को 4 से करेंगे 180, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई 180xy। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो आगे का क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।